हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फटे हुए दूध का बेहतरीन उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए आज हम बनाते हैं छेना जलेबी। मिथिला में छेना से बने हुए मिठाइयों का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है और छेना जलेबी भी उसमें से एक मिठाई है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनाना बहुत ही आसान है। बहुत कम चीज़ों के साथ मिक्स करके इसे बनाया जाता है। तो आइए इसे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए जो हमारा दूध फट गया है उसका छेना, मैदा, इलायची पाउडर और खाने का सोडा। इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। और जलेबी के लिए जो हमें चाशनी बनाना है उसके लिए चीनी। और जलेबी बनाने के लिए इस तरह का एक पॉलीथीन बैग। ये हमारा फटा हुआ दूध है, इसे हमें छान लेना है। क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है तो कपड़े पर रख के छानने की जरूरत नहीं है। इस तरह के छन्नी पे ही इसे हम छान लेंगे। और चूंकि ये फटा है तो हल्का सा इसमें खटापन रहेगा, तो वो खटापन दूर करने के लिए हम इसे धो लेंगे। इसे इस तरह से पानी डाल करके हम इसे धो लेंगे और हल्का सा इसे प्रेस करके इसका पानी हम निकाल देंगे। थोड़ा सा इसे हमें ड्राई कर लेंगे, हल्का सा इसे हमें सूखा कर लेना है। पानी इसका निकल गया है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा छेना आप देख सकते हैं काफी सॉफ्ट है, तो इसे हल्का सा ही हम हाथ से मल लेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसमें एक भी गांठ ना रहे। अगर थोड़ा सा भी गांठ रहेगा तो जलेबी बनाते समय बीच बीच में वो टूटता रहेगा, इसलिए हम इसे अच्छे से हाथों से मसल करके बिल्कुल ही इसको स्मूथ कर लेंगे। अब हम इसे एक कटोरे में निकालेंगे। इसे इस तरह से कटोरी में हम रख लेंगे और अब हम जलेबी का बैटर तैयार करेंगे। तो ये सारा छेना हमारा एक कटोरा है, तो इसी कटोरे से हमें मैदे का भी इसमें माप लेना है। एक कटोरा हम मैदा ले लिए हैं और इसमें अब हम इलायची पाउडर और खाने का सोडा, इसको मीठा सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं, इसे हमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस तरह से। और अब हम यहाँ इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके बिल्कुल ही एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। चूंकि हम दो तरह का जलेबी बनाने वाले हैं तो पहले जो हम सॉफ्ट वाली जलेबी बनाने वाले हैं उसके लिए हमें थोड़ा मोटा ही इसका हमें बैटर रखना है। इस तरह से घोल लेंगे। ये बैटर हमारा तैयार है। इसे अब हम ढक करके कम से कम आधे घंटे के लिए रख लेंगे या जब तक आपका चाशनी तैयार हो जाए और तेल गर्म हो जाए तब तक ढक कर रहने दें। अब हम चाशनी की तैयारी करते हैं। चाशनी के लिए हमें चाहिए 2 कटोरा चीनी, क्योंकि एक कटोरा हमारा छेना है और एक कटोरा हम मैदा लिए हैं। और इसी कटोरे से हम 2 कटोरा पानी भी लेंगे। गैस हम ऑन कर लिए हैं। चीनी को बीच बीच में चलाते रहना है और तेज आंच पर ही इसे हमें खोलने देना है।
देख रहे हैं, चाशनी अब हमारा गाढ़ा होने लगा है। हमें चाशनी सिर्फ गाढ़ा बनाना है, हमें कोई एक तार की चाशनी यहाँ नहीं बनानी है। तो अब ये गाढ़ा होने लगा है, तो यहाँ हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा चाशनी तैयार हो गया। अब देख सकते हैं कि कढ़ाई के किनारे में भी एक चिपचिपा सा दिखने लगा है, यानी कि ये चाशनी हमारा तैयार हो गया है। अब इस तरह से करछुल से आप चाशनी उठाएं और सारा चाशनी कढ़ाई में गिरा दें। जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं करछुल में थोड़ा सा चाशनी लगा हुआ है, उसको हम उंगली से इस तरह से लेंगे और इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच में हम चिपचिपा करके देखेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका दोनों उंगली जैसे चिपक रहा हो, तो समझ जाइए कि चाशनी तैयार हो गया है। जब भी जलेबी बनाएं या चाशनी में डूबने वाली दूसरी भी कोई मिठाई, तो हमेशा ध्यान रखें कि चाशनी आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए। अब हम यहाँ गैस बंद कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ जलेबी छानने के लिए तेल गर्म कर लेंगे। इसके लिए पैन हम रख लिए हैं और पैन हमेशा जलेबी तलने के लिए थोड़ा सा चौड़ा रखें। और यहाँ हम तेल गर्म करेंगे, रिफाइंड ऑयल हम गर्म कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ घी का भी उपयोग कर सकते हैं, घी में भी जलेबी आप तल सकते हैं। तब तक हम जलेबी बनाने वाला कोन तैयार कर लेते हैं। तो इसे इस तरह से इस पॉलीथीन में हम भर लेंगे और इस किनारे में साइड में हम कोने में ले आएंगे इसे और इस तरह से कट कर लेंगे। चूँकि अभी हमें मोटी वाली सॉफ्ट वाली जलेबी बनानी है, तो हम थोड़ा मोटा इसे कट करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो हाथ में हो सकता है तो आप मिटिंस लगा सकते हैं या कोई तौलिया वगैरह छोटा सा ले लें। नहीं तो तेल जब अच्छे से गर्म हो गया है तो आप गैस बंद कर दें और सारी जलेबी इस तरह से आप कढ़ाही में डाल लें और उसके बाद तुरंत गैस ऑन कर दें, तेज़ कर दें और हल्का सा लाल होने दें, उसका इससे पलटें, पलटते रहें और अच्छा गोल्डन ब्राउन होने दें, उसके बाद ही इसे निकालना है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से, इसे एक एक करके चिमटा से ही निकाल लें, निकाल करके और इसे हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में डाल करके इसे हम तुरंत पलट देंगे, बहुत ज़्यादा इसे छोड़ना नहीं है बहुत देर तक, नहीं तो बहुत ज़्यादा चाशनी सोख करिए बहुत ही मीठा हो जाएगा। और अब हम इसे इस तरह के एक छन्नी पर रख देंगे, जो एक्स्ट्रा जो भी चाशनी है वो इससे निकल जाए। सॉफ्ट वाला मोटा जलेबी बन के तैयार है। तो अब आइए हम बनाते हैं कुरकुरी जलेबी। उसके लिए इसी बैटर को थोड़ा सा हमें और पतला करना पड़ेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके, और अब देखिए इस तरह से चम्मच से आप देख सकते हैं उठा करके कि हमें इतना ही पतला इसको करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और अब हमें यहाँ पे कोने को इतना ही पतला काटना है जितनी पतली हमें जलेबी बनानी है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो यहाँ पर अब हम फिर से बना लेंगे जलेबी। और जैसे ही एक साइड हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ हम उसे पलट लेंगे और इस तरह से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। और अब हम इसे एक एक कर चिमटे से इस तरह से निकाल लेंगे और सभी को चाशनी में फिर से रख देना है। चाशनी में हल्का सा डुबा करके दोनों तरफ पलट लेना है और फिर छन्नी पे डाल करके हमें एक्स्ट्रा चाशनी उसमें से निकाल देना है। वो तो छन के खुद ब खुद चाशनी निकल जाता है। और इस तरह से हमारा दूसरा कुरकुरा जलेबी भी तैयार है। तो इस तरह से हमारा सारा जलेबी बन करके तैयार है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मोटा मतलब सॉफ्ट जलेबी है। मार्केट में छेना जलेबी आपको इस तरह का सॉफ्ट ही मिलेगा, लेकिन ये जो मैं दूसरा बनाई हूँ इसे थोड़ा सा मैंने बैटर को हल्का सा पतला कर दिया। तो ये देखिए कितना ही कुरकुरा ये बना है, ये तुरंत टूट गया और
ये देखिए मैंने इसे हल्का सा इसे दबाया है, पूरी तरह से क्रस्ट हो चुका है क्योंकि बहुत ही कुरकुरा है खाने में और इसका टेस्ट इतना बेहतरीन होता है। तो जब भी आप चाहें ये बना लें और खाएं, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही कम मेहनत में आसानी से घर में बहुत ज़्यादा भी आप बना सकते हैं बहुत कम खर्चे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मिठाई पसंद आएगा, आप ज़रूर बनाएं खाएं, और कभी फट जाए दूध उसका भी बेहतरीन उपयोग करें, नहीं तो दूध को फाड़ करके भी आप इसे ज़रूर बनाएं खाएं, और हमें भी कमेंट करके बताएं कि ये कैसा बना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्वाद के साथ, तब तक के लिए बाय।